और आज की बड़ी खबर, लॉकडाउन 4.0 आज से लागू हो गया है और चौथे चरण का यह लॉकडाउन 18 मई से लेकर 31 मई तक लागू रहेगा। कल गृह मंत्रालय ने इस बारे में गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। रेड, ग्रीन, ऑरेंज के साथ साथ दो और जोन इसमें बनाए गए हैं। रेड जोन में ही कंटेनमेंट और बफर जोन बनाया गया है और खास बात यह है कि इस बार के लॉकडाउन में राज्यों को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं, साथ ही कई सारी पाबंदियों में भी ढील दी गई है। राज्यों को ही जोन तय करने का अधिकार दिया गया है। नए गाइडलाइंस के मुताबिक एहतियात बरतते हुए फैक्ट्रियां खोलने और दफ्तर खोलने की अनुमति दी जा सकती है और दी गई है। और लॉकडाउन 4 का लॉक खोलने का अधिकार राज्यों को दिया गया है। लॉकडाउन की चौथी किश्त में एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच बसें चल सकती हैं, लेकिन इसका फैसला राज्यों को ही करना पड़ेगा। आपसी सहमति के बाद ही बसें चलेंगी और होटल, रेस्टोरेंट वगैरह बंद रहेंगे, लेकिन रेस्टोरेंट होम डिलीवरी कर सकते हैं। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल और जिम वगैरह, उस पर भी प्रतिबंध लगा रहेगा जैसा लॉकडाउन में शुरू से चल रहा था। कंटेनमेंट जोन के बाहर सैलून खुल सकते हैं, लेकिन इसका फैसला भी राज्य और लोकल प्रशासन करेगा। रेड जोन में ई कॉमर्स कंपनियां जरूरी और गैर जरूरी सामान की डिलीवरी कर सकती हैं। स्टेडियम्स खोलने की अनुमति होगी, लेकिन वहां दर्शकों को जाने की अनुमति नहीं होगी। लॉकडाउन का चौथा चरण, लॉकडाउन 4, पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा था वही हुआ। देश में लॉकडाउन का चौथा चरण यानी लॉकडाउन 4.0 आज से लागू हो गया है, लेकिन इस बार ये लॉकडाउन बाकी के तीन लॉकडाउन से बिल्कुल अलग है। पीएम मोदी ने पहले ही इस बात की जानकारी जनता को दे दी थी। गृह मंत्रालय की ओर से जब चौथे चरण के लॉकडाउन की जानकारी शेयर की गई, तो उस गाइडलाइंस में मोदी के वक्तव्यों की झलक दिखाई दे रही थी। हम आपको बताएंगे कि इस लॉकडाउन का क्या असर होगा, कहां सख्ती होगी, किन क्षेत्रों में नरमी बरती जाएगी, कहां क्या खुलेंगे और क्या बंद रहेंगे। चौथे चरण का लॉकडाउन 18 मई से लेकर 31 मई तक लागू रहेगा, यानी अगले दो हफ्ते के लिए ये लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है। मतलब साफ है कि अगले 14 दिन तक सबको इसी गाइडलाइंस के मुताबिक चलना होगा, ताकि कोरोना महामारी को मात दिया जा सके। राहत की बात यह है कि लॉकडाउन 4.0 में फैक्ट्रियां खुलेंगी, दफ्तर खुलेंगे, दुकानें खुलेंगी, बसें चलेंगी, टैक्सियां भी चलेंगी। रविवार को लॉकडाउन का तीसरा फेज खत्म होने से करीब 6 घंटे पहले राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA ने केंद्र सरकार और राज्यों को देश बंदी जारी रखने के निर्देश दिए। इसके बाद गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी। लॉकडाउन 3.0 में तीन तरह के जोन थे, लॉकडाउन 4.0 में 5 तरह के जोन होंगे। रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन्स के साथ अब 2 जोन्स और जोड़े गए हैं। ये हैं कंटेनमेंट जोन और बफर जोन। कंटेनमेंट जोन और बफर जोन रेड जोन्स के अंदर होंगे, जिनमें बहुत ही ज्यादा सख्ती होगी। जहां कोरोना बहुत ज्यादा है वहां कंटेनमेंट जोन्स हैं, वहां लॉकडाउन का ताला बिल्कुल नहीं खुलेगा। इसके साथ ही बफर जोन में भी सख्ती होगी। कंटेनमेंट जोन में केवल अनिवार्य सेवाएं मिलेंगी। कंटेनमेंट जोन में आने जाने पर सख्त पाबंदी होगी। हालांकि केंद्र सरकार ने जोन निर्धारित करने का अधिकार इस बार राज्यों पर छोड़ा है। लॉकडाउन बेशक रिलैक्स हो जाए, लेकिन जो पब्लिक हेल्थ मेजर्स हैं वो कंटिन्यूड रखें। जो केसेस हैं उनका आइडेंटिफिकेशन, उनका टेस्टिंग, उसके बाद उनका आइसोलेशन और उनको ट्रीटमेंट देना, ये बहुत जरूरी हो जाएगा। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है, लेकिन इस बार कई तरह की रियायत भी दी गई है। यानी जहां कोरोना के मामले कम हैं या नहीं है वहां नरमी बरती गई है। लॉकडाउन 4.0 में जनता को बड़ी राहत दी गई है। एहतियात के साथ रिक्शा और ऑटो रिक्शा चल सकते हैं, प्राइवेट गाड़ियों से इंटरस्टेट सफर कर सकते हैं, बशर्ते दोनों राज्य तैयार हों। कुछ इंटरस्टेट बसें भी चल सकती हैं।
हालांकि हवाई जहाज उड़ाने की अनुमति नहीं दी गई है। मेट्रो रेल की सर्विस भी नहीं खुलेगी। होटल रेस्तरां भी बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट के किचन होम डिलीवरी के लिए खुल सकते हैं। जो इंटरनेशनल एयर ट्रेवल है उसको कोई छूट मिलेगी नहीं मिलेगी, एक्सेप्ट फॉर डोमेस्टिक मेडिकल, यानी कि जो अभी जो जारी था कि सिर्फ जो मेडिकल इमरजेंसी है उसके लिए ही छूट रहेगी, और बाकी जो एयर ट्रेवल के लिए छूट नहीं है, भले ही वो इंटरनेशनल छूट हो या फिर डोमेस्टिक रूट के लिए हो। लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ने के साथ ही 125 करोड़ से ज्यादा की आबादी अब लगातार 68 दिन तक बंदिशों में रहेगी। दुनिया के किसी भी देश में इतनी बड़ी आबादी के साथ इतने दिनों तक चलने वाला ये सबसे बड़ा लॉकडाउन है। अब आपको बताते हैं कि लॉकडाउन 4.0 में क्या क्या पूरी तरह बंद रहेंगे। स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बंद रहेंगे, सिनेमा हॉल बंद रहेंगे, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स क्लब, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे बंद रहेंगे। स्टेडियम प्रैक्टिस के लिए खुलेंगे लेकिन दर्शकों को इजाजत नहीं मिलेगी। कुल मिलाकर कहें तो सरकार ने बहुत बड़ी रियायत दी है लेकिन शर्तों के साथ, और ये शर्तें बहुत ही कड़ी हैं। ग्रीन जोन्स पूरी तरह खुलेंगे लेकिन वहां भी मॉल नहीं खुलेंगे, क्योंकि लॉकडाउन 4.0 में भी भीड़ भाड़ की कोई चीज अलाउ नहीं है। राजनीतिक दलों की रैलियां पहले की तरह बंद रहेंगी। धरने प्रदर्शन की इजाजत नहीं होगी। शादियों में पहले की तरह मेहमान सीमित होंगे। स्मशान और कब्रिस्तान में भी भीड़ की इजाजत नहीं होगी। कुछ एक्टिविटीज को रेस्ट्रिक्शंस के साथ छूट दी गई है लेकिन ये छूट कंटेनमेंट जोन के बाहर रहेगी। जो छूट दी गई है रेस्ट्रिक्शंस के साथ उसमें है कि इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ पैसेंजर व्हीकल्स एंड बसेस विद म्यूचुअल कंसेंट ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज इन्वॉल्व। अगर स्टेट्स और यूटीज तैयार होती हैं तो इंटर स्टेट ट्रेवल हो सकता है लेकिन ये कंटेनमेंट जोन में नहीं रहेगा। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा लॉकडाउन जारी है। इस लॉकडाउन के जरिए सरकार जहां कोरोना को मात देने में जुटी है, वहीं दूसरी ओर लोगों को सुरक्षित रखकर और एहतियात बरतकर काम काज के पुराने ढर्रे पर लौटने की भी कोशिश है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो शायद ही आगे किसी लॉकडाउन की जरूरत पड़े। तो चौथे चरण का लॉकडाउन आज से लागू हो गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मामले को देखते हुए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 4.0 का फैसला किया था, जो आज से अगले 14 दिन यानी कि 31 मई तक लागू रहेगा। आपको बता दें कि लॉकडाउन का पहला फेज 25 मार्च से 14 अप्रैल तक रहा, जबकि दूसरा फेज 15 अप्रैल से 3 मई तक रहा, यानी कि कुल 40 दिन। तीसरे फेज की बात करें तो 4 मई से 17 मई तक रहा, और चौथा फेज यानी कि लॉकडाउन 4.0 जिसकी शुरुआत हो चुकी है और ये 31 मई तक है। केंद्र सरकार से लॉकडाउन 4.0 का गाइडलाइंस आते ही हरेक राज्य अब इसे अमल करने को लेकर हरकत में है। लॉकडाउन 4.0 की गाइडलाइंस की खास बात यह है कि इस बार राज्यों को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। हालांकि वो केंद्र द्वारा जारी दिशा निर्देशों की अवहेलना नहीं कर सकेंगे। इस बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सुदन ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नए आदेशों पर तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। लॉकडाउन के चौथे चरण में लॉकडाउन की स्थिति और स्वरूप क्या होगा, इसका फैसला राज्य सरकार कर पाएंगे। गाइडलाइंस सामने आने के बाद राज्य सरकारें एक्शन में हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आज अहम बैठक है। इस बैठक में लॉकडाउन 4.0 में दिए जाने वाले ढील पर फैसला लिया जाएगा। दिल्ली वालों को क्या करना है और क्या नहीं, इसकी जानकारी दी जाएगी। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार भी आज क्या करें और क्या ना करें इसकी जानकारी देगी। कर्नाटक में भी कई तरह की रियायत की घोषणा की जा सकती है। बंगाल की ममता सरकार भी नए गाइडलाइंस के मुताबिक फैसला लेंगी। अब हम आपको बताते हैं कि राज्य सरकारें खुद क्या क्या तय कर सकती हैं और उन्हें क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन राज्य सरकारें ही तय करेंगी। कंटेनमेंट जोन भी राज्य के सीएम और डीएम तय करेंगे। राज्य सरकारें आपसी सहमति से इंटरस्टेट बसें चला सकेंगी। साथ ही दूसरी गाड़ियों को चलाने के अधिकार भी राज्यों को होंगे, लेकिन कंटेनमेंट जोन में किसी सर्विस की इजाजत नहीं होगी।
सैलून और मिठाई जैसी दुकानों को खोलने की इजाजत देने के अधिकार भी राज्य पर छोड़ दिए गए हैं। इस बार के जो गाइडलाइंस में राज्य सरकारों को पूरी ताकत दे दी गई, पूरी पावर्स दे दी गई है। जो राज्य सरकारें बार बार ये कह रही थी, हर मीटिंग में उन्होंने पीएम के सामने यही बात कही कि आप हमको अधिकार दीजिए, हम राज्य के मुखिया है और हमें पता है कि कौन से एरियाज में रेड जोन होने चाहिए या ग्रीन जोन होने चाहिए और कंटेनमेंट जोन कितने बड़े होने चाहिए, कंटेनमेंट एरियाज कितने बड़े होने चाहिए। उसके अलावा जो भी एक्टिविटीज होनी है उसको छूट हमको देनी चाहिए। तो यही वजह है कि इस बार के गाइडलाइंस में ज्यादातर हिस्सा जो है वो राज्य सरकारों को दे दिया है कि आप अपने राज्यों के जो चीज होम मिनिस्ट्री गाइडलाइंस में है जिसको साफ मना किया गया, उसके अलावा राज्य सरकार चाहे जो भी एक्टिविटीज उसको शुरू करनी है वो शुरू कर सकती है, बशर्ते जो होम जो स्वास्थ्य मंत्रालय के जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार वो चाहे तो उसको ध्यान में रखते हुए हर एक्टिविटी शुरू कर सकती है, भले वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो, दुकानें खोलने की बात हो, स्पा सैलून खोलने की बात हो या बाकी चीजें जो भी हो। यानी कि राज्य सरकारों को पूरा अधिकार दे दिया गया है कि आप नियमों के मुताबिक चाहे तो जो भी फैसले ले सकते हैं, जिस एरिया को चाहे आप खोल सकती है, बशर्ते वो एरिया उसमें कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते हैं जिसको मना किया गया। केंद्र की ओर से हालात को सामान्य बनाने की कोशिश की जा रही है। गाइडलाइंस आने के बाद राज्यों के नियम बनाने भी शुरू कर दिए गए हैं। इस बारे में भोपाल के डीएम ने भी कामकाज के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसी तरह से पटना के डीएम ने भी लॉकडाउन का सख्ती से पालन के निर्देश दिए हैं। लखनऊ में भी लॉकडाउन 3.0 की तरह ही लॉकडाउन 4.0 में कड़ाई बरती जाएगी। कोरोना से बिगड़े हालात के मद्देनजर ज्यादातर बाजार बंद रहेंगे, सिर्फ आवश्यक वस्तुओं और दवा की दुकानें ही खुली रहेंगी। सब्जी